नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीलीभीत से वर्तमान में भाजपा सांसद वरुण गांधी का लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने टिकट काट दिया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी भाजपा के लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आए। बीजेपी से टिकट कटने के बाद लंबे समय तक पार्टी और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाने वाले वरुण गांधी फाइनली पार्टी के लिए प्रचार के लिए आगे आए हैं। अपनी मां और सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरुण ने लोगों को संबोधित किया। अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगने पहुंचे वरुण गांधी सुल्तानपुर के लोगों से अपना भावनात्मक रिश्ता बताते हुए कहा, हमारा जितना दायरा है उसी में काम करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं नेता नहीं, एक बेटे के रूप में आपके बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारा परिवार है, हमको यहाँ की मिट्टी से प्यार है। वहीं भाजपा प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कस्बा मोतीगंज, कुछमुच, बरगदवा, मदनपुर, देवरात, छापर, गोलवा, मझगवा, कटघरा, चिरान, पट्टी, बेरा, मारुफपुर, सरैया बाजार, खैराहा, काछा, भिटौरा, बहाद्दीनपुर समेत एक दर्जन निषाद बाहुल्य गाँव में सभाओं को संबोधित किया। लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां नेता को ना उनके नाम से बुलाया जाता है, ना सांसद जी बुलाया जाता है, ना मंत्री जी बुलाया जाता है, उनको माता बुलाया जाता है, मां के नाम से जाना जाता है। मां का जो कद होता है वो परमात्मा के बराबर होता है। जब सारे दरवाजे जीवन में बंद होते हैं तो केवल मां का दरवाजा खुला रहता है। मैंने जब सुल्तानपुर में 2014 में प्रवेश किया था तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू इस धरती से मिली, लेकिन आज मुझे गौरव होता है इस बात को कहने में कि आज जो मैं यहां आया हूं, मुझे लगता है कि मैं अपने मातृभूमि में आया हूं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। यानी कि देखा जाए तो जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जल्द ही वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आ जाएंगे, उनके मुंह पर एक सियासी तमाचा जरूर पड़ा है। भाजपा के विचारधारा के आगे वरुण गांधी फिलहाल नतमस्तक नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।